19 यहाँ पे कह रहा प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, नीचे जो आइडेंटिटी दे रखा उसको आप प्रूव करिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे बोल रहा है साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा LHS इक्वल टू साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस फिर है इधर कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे डिराइव करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर और एक जगह है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर होता है बी स्क्वायर और बी का वैल्यू है सेक थीटा, तो सेक थीटा का स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ए की जगह साइन थीटा और बी की जगह सेक थीटा। आ रहा बस समझ में? प्लस अब इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो ए स्क्वायर और ए का वैल्यू है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फिर होता है बी स्क्वायर और बी की जगह है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर होता है 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ए की जगह कॉस थीटा और बी की जगह कॉसेक थीटा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको एक जगह करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक सेक स्क्वायर थीटा है और एक कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको भी एक जगह लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। बाकी ये दोनों बचा है 2 वाला, तो इसको भी लिखिए, तो इसको भी एक जगह कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा सेक थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक का अपोजिट कॉस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो कॉसेक का अपोजिट साइन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा और सेक थीटा है तो सेक थीटा को आप लिखिएगा 1 बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पे नीचे में आ जाएगा कॉस थीटा। और आपको बात समझ में? प्लस यहाँ पे देखिए 2 कॉस थीटा है तो इसको रहने दीजिए और कॉसेक थीटा को आप क्या लिखिएगा 1 बाई साइन थीटा, तो यहाँ पे नीचे में आ जाएगा साइन थीटा। इस तरीके से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से कटेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस। अब देखिए इधर साइन स्क्वायर थीटा से कटेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। अब यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों इंटू में आ जाएगा, डेट मीन्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा से कटेगा कॉस थीटा, तो बचेगा साइन थीटा और इस साइन थीटा को 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस। अब यहाँ पे साइन थीटा से कटेगा साइन थीटा, तो बचेगा कॉस थीटा और इस कॉस थीटा को 2 कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे देखिए ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 1
और नीचे में जो है उसको लिख दीजिए, तो यहाँ पे नीचे में है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे दो कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में जो है उसको लिखिए, तो यहाँ पे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस, यहाँ पे देखिए वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सब में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू वन हो जाएगा और टू इंटू वन टू, तो यहाँ पे हो जाएगा टू अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसके बाद देखिए तो ये हो जाएगा वन, वन को आप वन का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस, और सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको आप लिखिएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इस तरीके से प्लस। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा टू और वन बाई कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और वन बाई साइन थीटा तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। जैसे ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में, और अगर नहीं आ रहा है समझ में तो देखिए यहाँ पे थोड़ा डिराइव कर देते हैं, जैसे था टू अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको आप इस तरीके से नहीं लिखिएगा, टू इंटू वन बाई कॉस थीटा इंटू वन बाई साइन थीटा, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। कह के देखिए टू इंटू वन दो आ जाएगा, और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इस तरीके से आ जाएगा। तो यही चीज़ है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों तो सेम चीज़ है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पे टू का टू हो गया, और वन बाई कॉस थीटा सेक थीटा, और वन बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा। अब देखिए ये एक फार्मूला पे आ रहा है, यहाँ पे इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ पे ए का वैल्यू वन है और बी का वैल्यू ये वाला, तो टू इंटू वन इंटू इतना यही चीज़ रहेगा। डेट मीन्स ये आप देख रहे हैं ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ए का वैल्यू है वन और बी का वैल्यू ये वाला सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यही ना आपको प्रूव करना था, तो यही हो जाएगा आर एच एस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे बोल रहा है साइन थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ये सेम क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही, तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप एल एच एस को नोट करिए, तो यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो यहाँ पे होता है ए स्क्वायर, और ए का वैल्यू है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर होता है बी स्क्वायर, और बी की जगह है सेक थीटा, तो सेक थीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर होता है माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए की जगह हो जाएगा साइन थीटा, और बी की जगह हो जाएगा सेक थीटा। फिर प्लस है तो प्लस दीजिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इसको भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो यहाँ पे ए का वैल्यू है कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर, तो कॉस थीटा का स्क्वायर करिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। फिर होता है बी स्क्वायर, और बी की जगह है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का जब अब स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर होता है माइनस टू ए बी, तो माइनस टू यहाँ पे ए की जगह हो जाएगा कॉस थीटा, और बी की जगह हो जाएगा कॉसेक थीटा इस तरीके से। और आपको बात समझ में, इसके बाद देखिए तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों को एक जगह लिखिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा ये दोनों को भी एक जगह कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये एक जगह हो गया। अब यहाँ पे जो माइनस टू वाला टर्म बच रहा है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसको भी एक जगह लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस टू साइन थीटा इंटू सेक थीटा, और यहाँ पे है माइनस टू
कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है? वन होता है ना, तो यहां पे हो जाएगा ओवन प्लस। अब यहां पे देखिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखिएगा? इसको आप लिखिएगा ओवन बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखिएगा? तो इसको आप लिखिएगा ओवन बाई साइन स्क्वायर थीटा इस तरीके से। माइनस यहां पे देखिएगा, माइनस दो हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे देखिए ये हो जाएगा साइन थीटा, और सेक थीटा को आप क्या लिखिएगा? सेक थीटा को ओवन बाई कॉस थीटा, तो यहां पे नीचे में आ जाएगा कॉस थीटा। और जब आप माइनस दो कॉमन लिए हैं, तो यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और दो तो बाहर ही निकल जाएगा, तो यहां पे बचेगा ऊपर में कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा को आप लिखिएगा ओवन बाई साइन थीटा, तो यहां पे साइन थीटा नीचे में आ जाएगा इस तरीके से। पहले आप यहां तक देख लीजिए कि यहां तक कोई दिक्कत आपको ना हो, इसके बाद आगे बढ़िए। तो यहां पे हो जाएगा ओवन प्लस, यहां पे एलसीएम लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो यहां पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कटेगा, तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और इस साइन स्क्वायर थीटा को ओवन से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटेगा, तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इस कॉस स्क्वायर थीटा को ओवन से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस टू यहाँ पे भी एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, तो बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस। अब इधर साइन थीटा से कटेगा साइन थीटा, तो बचेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ओवन प्लस। अब यहाँ पे देखिए, साइन स्क्वायर थीट्टा प्लस कॉस स्क्वायर थीट्टा दोनों को ऐड करिए, तो ओवन आएगा, तो यहाँ पे हो गया ओवन, और नीचे में कॉस स्क्वायर थीट्टा है इंटू साइन स्क्वायर थीट्टा। इसके बाद यहाँ पे माइनस टू है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऊपर में साइन स्क्वायर थीट्टा प्लस कॉस स्क्वायर थीट्टा, तो इसका वैल्यू तो ओवन आएगा, और नीचे में है कॉस थीट्टा इंटू साइन थीट्टा। तो इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ओवन प्लस। अब यहाँ पर देखिए, ओवन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ओवन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। माइनस टू, और यहाँ पर देखिएगा, ओवन बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा इंटू ओवन बाई साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा। आ रहा बस समझ में? अब इसके बाद देखिए, तो ओवन को आप ओवन का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस, और इसको आप लिखिए सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इस तरीके से। फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मूला प्यारा है, इसको आप ए मान लीजिए और इसको आप बी मान लीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। यहाँ पे ए का वैल्यू ओवन है, तो यहाँ पे अगर इंटू में आप ओवन लिख भी दीजिए तो यही चीज रहेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, ए का वैल्यू ओवन है ना, तो ये हो जाएगा ए की जगह ओवन माइनस, और बी का वैल्यू है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और ये पूरा पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर दीजिए, और यही आपको लाना था, तो ये हो जाएगा आर एच एस। एग्जाम्पल 20, यहाँ पे कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, नीचे जो आइडेंटिटी दे रखा है उसको आप प्रूव करिए। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर वन, यहाँ पे बोल रहा है ओवन अपॉन सेक ए प्लस टेन ए माइनस ओवन अपॉन कॉस ए इक्वल टू ओवन अपॉन कॉस ए माइनस ओवन अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, कि यहाँ पे हम दोनों तरफ से चलेंगे, तो पहले थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि जैसे देखिए, यहाँ पे है सेक ए प्लस टेन ए और इधर है सेक ए माइनस टेन ए, तो इसको आप इस तरफ ले आइए, और जो ओवन अपॉन कॉस है उसको आप उस तरफ भेज दीजिए, मतलब
मतलब कॉस वाला को एक तरफ और सेक टेन वाला को एक तरफ करिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है वन अपॉन सेक ए प्लस टेन ए, और ये वाला सेक ए माइनस टेन ए को इधर ले आइए एलएचएस में, तो ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस वन अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो नीचे में ये जो साइन माइनस है वो माइनस ही रहेगा, सिर्फ इसके आगे वाला जो साइन है ना वो बदलता है, तो ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, लेकिन इस साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर इक्वल टू यहाँ पे है इस तरफ वन बाई कॉस है तो इसको लिखिए, और यहाँ जो माइनस वन बाई कॉस है एल एच एस में उसको आर एच एस में भेजिए, तो माइनस वन बाई कॉस है तो इधर आके प्लस वन बाई कॉस से हो जाएगा इस तरीके से। तो आपको फर्स्ट स्टेप में यही काम करना है कि सेक टेन वाला को एक तरफ और कॉस वाला को दूसरा तरफ कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो सेक ए प्लस टेन ए और सेक ए माइनस टेन ए, इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम दोनों इंटू में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए इस तरीके से। अब देखिएगा इसके बाद, तो यहाँ पे सेक ए प्लस टेन ए से सेक ए प्लस टेन ए कटेगा तो बचेगा सेक ए माइनस टेन ए, और इसको वन से मल्टीप्लाई करिए तो ये वही चीज़ रहेगा सेक ए माइनस टेन ए। फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखिए। इसके बाद देखिए, सेक ए माइनस टेन ए से सेक ए माइनस टेन ए कटेगा तो यहाँ पे बचेगा सेक ए प्लस टेन ए, और इसको वन से मल्टीप्लाई करिए तो ये तो वही चीज़ रहेगा सेक ए प्लस टेन ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और इस तरफ आइए तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, तो यहाँ पे ऊपर में वन रहेगा और यहाँ पे भी वन ही रहेगा। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे देखिए टेन ए माइनस में है और यहाँ पे टेन ए प्लस में है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो इसको ऐड करिए सेक ए प्लस सेक ए, तो इसको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा टू सेक ए। और नीचे में देखिएगा, यहाँ पे सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा सेक ए, और इसका स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस, फिर होता है बी स्क्वायर, और बी का वैल्यू है टेन ए, तो टेन ए का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। आ रहा बात समझ में? और यहाँ पे आर एच एस में देखिए, वन प्लस वन टू हो जाएगा, और नीचे में कॉस है तो कॉस से होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में टू सेक ए, और नीचे में बताइए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू तो वन होता है तो यहाँ पे नीचे में वन आएगा, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं टू इंटू वन बाई कॉस है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू सेक ए इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए वन बाई कॉस से क्या होगा सेक ए, तो यहाँ पे भी हो जाएगा टू सेक ए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एल एच एस और आर एच एस दोनों क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे सीधे लिखिए प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिए ये सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा है, यहाँ पे बोल रहा है वन अपॉन कॉस ए के माइनस कॉट ए माइनस वन अपॉन साइन ए इक्वल टू वन अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन कॉस ए के प्लस कॉट ए। तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, कॉस ए और कॉट इसको एक तरफ और साइन वाला को दूसरा तरफ, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस ए के माइनस कॉट ए, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो कॉस ए प्लस कॉट ए है इसको आप इस तरफ लाइए, तो ये माइनस है ना तो इस तरफ आके प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन कॉस ए के प्लस कॉट ए। यहाँ पे आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसके आगे वाला साइन है वही सिर्फ बदलेगा, यहाँ पे जो नीचे में प्लस है वो प्लस का प्लस ही रहेगा, इसको आप माइनस मत कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे आर एच एस में वन बाई साइन ए तो इसको लिख दीजिए वन बाई साइन ए, और यहाँ पे जो माइनस वन बाई साइन ए है इसको भेजिए उस तरफ, तो ये माइनस वन बाई साइन ए इधर आके हो जाएगा प्लस वन बाई साइन ए इस तरीके से। आ रहा बात समझ में? अब देखिएगा इसके बाद, तो यहाँ पे अब इस तरफ एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो दोनों इंटू में हो जाएगा, तो
डेट मीन्स कॉसिक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसिक ए प्लस कॉट ए, इस तरीके से। अब यहां पर देखिए, कॉसिक ए माइनस कॉट ए से कॉसिक ए माइनस कॉट ए कटेगा तो बचेगा कॉसिक ए प्लस कॉट ए, और इसको वन से मल्टीप्लाई करिए तो वही चीज रहेगा, कॉसिक ए प्लस कॉट ए। फिर यहां पे प्लस है तो प्लस लिखिए। फिर इस तरफ देखिए, कॉसिक ए प्लस कॉट ए से कॉसिक ए प्लस कॉट ए कटेगा तो बचेगा कॉसिक ए माइनस कॉट ए, और इसको वन से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसिक ए माइनस कॉट ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस तरफ आइए, यहाँ पे भी इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम तो यहाँ पे साइन ए ही रहेगा, तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा वन प्लस वन। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे कॉट ए माइनस में और कॉट ए प्लस में, तो ये वाला कट जाएगा, तो कॉसिक ए प्लस कॉसिक ए दोनों को ऐड करिए तो यहाँ पे हो जाएगा टू कॉसिक ए। इसके बाद नीचे में देखिएगा, तो यहाँ पे है कॉसिक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसिक ए प्लस कॉट ए, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा कॉसिक ए, और कॉसिक ए का जब आप स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर ए, फिर माइनस दीजिए, फिर होता है बी स्क्वायर, और बी का वैल्यू है कॉट ए, और कॉट ए का स्क्वायर करिए तो कॉट ए का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू। अब इस तरफ देखिए, वन प्लस वन टू हो जाएगा, टू बाई साइन ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा टू कॉसिक ए, और नीचे बताइए नीचे में कितना होगा, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन होता है, तो यहाँ पे भी कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वन, तो यहाँ पे नीचे में वन हो जाएगा इक्वल टू। और यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, टू इंटू वन बाई साइन ए, दोनों सेम चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा टू कॉसिक ए इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा टू, और वन बाई साइन ए क्या होता है कॉसिक ए, तो यहाँ पे भी हो जाएगा कॉसेक ए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एल एच एस और आर एच एस दोनों आपस में इक्वल आ गया, तो इस तरीके से आपको प्रूफ कर लेना है। क्वेश्चन नंबर थ्री, यहाँ पे बोल रहा है कॉस ए अपॉन वन माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए इक्वल टू कॉस ए प्लस साइन ए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी सबसे पहले आप एल एच एस को नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एल एच एस इक्वल टू कॉस ए अपॉन वन माइनस टेन ए प्लस, फिर हो जाएगा साइन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको आर एच एस में कॉस ए प्लस साइन ए लाना है, तो आप क्या करिए ना कि सबको साइन कॉस में तोड़ दीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर में है कॉस ए तो इसको रहने दीजिए, और नीचे में देखिए वन माइनस टेन को क्या लिखिएगा, टेन को आप लिखिएगा साइन ए बाई कॉस ए, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर यहाँ पे भी ऊपर में साइन ए को रहने दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस कॉट ए को क्या लिखिएगा, कॉट ए होगा कॉस बाई साइन, डेट मीन्स कॉस ए बाई साइन ए, इस तरीके से। आ रहा बात समझ में? अब देखिएगा इसके बाद, तो यहाँ पे ऊपर में है कॉस ए, और यहाँ पे नीचे में आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो वन है ना, तो वन और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए, तो वन से कॉस ए को डिवाइड करिए तो कॉस ए बार में कटेगा, और कॉस ए को इस ऊपर वाले वन से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए माइनस, इसके बाद कॉस ए से कॉस ए कटेगा एक बार में, और एक को साइन से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए। आ रहा बात समझ में? फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे ऊपर में है साइन ए। इसके बाद देखिए, यहाँ भी नीचे में आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा साइन ए, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं तो वन है ना, तो वन और साइन ए का एलसीएम साइन ए। अब वन से साइन ए को डिवाइड करिए तो साइन ए बार में, और साइन ए को वन ऊपर वाले वन से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस। अब देखिए, साइन ए से साइन ए कटेगा एक बार में, और एक को कॉस ए से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा इसके बाद,
ये जो नीचे में कॉस ए है इसको भेजिए ऊपर, क्योंकि जैसे ही आप डिवाइड को मल्टीप्लाई बदलेगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो इसी कारण ये नीचे वाले को ऊपर भेज रहे हैं। तो कॉस ए जब ऊपर जाएगा तो पहले से था कॉस ए, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, जैसे देखिए यहाँ पे डिटेल ही कर देते हैं, जैसे ऊपर में था कॉस ए और यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई बदलिए तो ये कॉस ए चला जाएगा ऊपर में और ये कॉस ए माइनस साइन ए आ जाएगा नीचे में इस तरीके से। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे लिखिए साइन ए और यहाँ पे भी इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बदलिए तो ये जो साइन ए नीचे में है ये चला जाएगा ऊपर में और जो साइन ए माइनस कॉस ए ऊपर में था ये चला आएगा नीचे में। तो इसके बाद देखिए कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस, यहाँ पे साइन ए इंटू साइन ए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे में है साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए है और यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए है, तो दोनों को एक टर्म में कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं ना कि माइनस कॉमन ले लीजिए, जैसे इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए माइनस साइन ए, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, तो जब आप नीचे से माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये जो कॉस ए माइनस में है तो कॉस ए हो जाएगा प्लस में और यहाँ पे साइन ए था प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन बदल जाता है, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे में है कॉस ए माइनस साइन ए। और यहाँ पे देखिए माइनस कभी भी नीचे नहीं रहेगा, हमेशा ये ऊपर चला जाएगा और जैसे ही ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस इंटू माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, आ रहा बात समझ में, और यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए तो साइन स्क्वायर ए लिखिए और नीचे में कॉस ए माइनस साइन ए, तो यहाँ पे इसको लिखिए कॉस ए माइनस साइन ए। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए क्योंकि देखिए दोनों टर्म क्या है सेम है, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखिए कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए कटेगा एक बार में और एक को कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पे भी कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए कटेगा एक बार में और एक को साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसके बाद देखिएगा तो कॉस स्क्वायर ए को आप कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना माइनस, और साइन स्क्वायर ए को आप साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे में जो है उसको रहने दीजिए कॉस ए माइनस साइन ए। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा कॉस ए और बी का वैल्यू हो जाएगा साइन ए, तो यहाँ पे इसको अरेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और नीचे में जो है उसको लिखिए तो नीचे में है कॉस ए माइनस साइन ए। अब यहाँ पे देखिए कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए कट जाएगा तो यहाँ पे ऊपर में बच गया कॉस ए प्लस साइन ए और यही चीज़ आपको लाना भी था तो ये हो जाएगा आर एच एस। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हो रहा है टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन वन माइनस टेन ए इक्वल टू वन प्लस टेन ए प्लस कॉट ए इक्वल टू वन प्लस सेक ए इंटू कॉस ए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप इसको एल एच एस मान लीजिएगा और इसको एल एच एस मान के ये वाला टर्म लाइए और फिर इसी टर्म को सॉल्व करके ये वाला टर्म लाइए, तो यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको एल एच एस मान लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा एल एच एस इक्वल टू टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए अपॉन वन माइनस टेन ए। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे इसको साइन कॉस में ब्रेक करिए, तो
तो टेन ए को आप क्या लिखिएगा, टेन ए को आप लिखिएगा साइन ए बाई कॉस ए। इसके बाद नीचे में आइए तो यहाँ पे है वन माइनस कॉट ए, तो ये हो जाएगा वन माइनस, और कॉट को आप क्या लिखिएगा, कॉट को लिखिएगा कॉस बाई साइन, डेट मीन्स ये हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए। इस तरीके से फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर कॉट ए है तो कॉट को तोड़िए तो ये हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए। इसके बाद नीचे में देखिए तो नीचे में है वन माइनस, और यहाँ पे टेन है तो टेन को आप साइन बाई कॉस लिखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए। तो पहले आप इसको देख लीजिए कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं ना है, टेन की जगह हम लिखे हैं साइन बाई कॉस और कॉट की जगह लिखे हैं कॉस बाई साइन, नीचे में भी वही काम किए हैं। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा, यहाँ पे देखिए यहीं पे कर रहे हैं, ऊपर में है साइन ए बाई कॉस ए और यहाँ पे नीचे में देखिएगा, नीचे में आप एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा साइन ए ना, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा साइन ए। जैसे इसके नीचे कुछ नहीं तो वन है, तो वन और साइन ए का एलसीएम साइन ए होगा। अब देखिए वन से साइन ए को डिवाइड करिए तो साइन ए बार में कटेगा, और साइन ए को इस ऊपर वाले वन से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस, फिर साइन ए से साइन ए कटेगा वन बार में, ओवन को कॉस ए से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इसके बाद देखिए अब इस तरफ हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए, और यहाँ पे भी नीचे में आप एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा कॉस ए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी नीचे में कुछ नहीं है तो ओवन है, और वन से कॉस ए को डिवाइड करिए तो कॉस ए बार में कटेगा, और कॉस ए को ऊपर वाले वन से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आ गया कॉस ए माइनस। अब देखिए कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड करिए तो एक बार में कटेगा, और एक को साइन ए से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए। पहले इसमें आप देख लीजिए कि एलसीएम लेने में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिएगा अब यहाँ पे ये जो डिवाइड का जो सिंबल है इसको आप मल्टीप्लाई में बदलिए, तो पहले ऊपर में जो है उसको लिख लीजिए, तो यहाँ पे ऊपर में है साइन ए बाई कॉस ए, और यहाँ पे इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिए, तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो ये नीचे वाला ऊपर चला आएगा, तो नीचे में है साइन ए तो ये चला आएगा ऊपर, और ऊपर में है साइन ए माइनस कॉस ए तो ये चला आएगा नीचे। इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, आ रहा बात समझ में। इसके बाद प्लस है तो यहाँ पे लिखिए प्लस। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर में है कॉस ए बाई साइन ए, तो इसको पहले लिख लीजिए कॉस ए बाई साइन ए, और यहाँ पे भी इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिए, तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई में बदलेगा तो ये नीचे वाला कॉस ए ये चला आएगा ऊपर में, और ये जो ऊपर में आपको दिख रहा है कॉस ए माइनस साइन ए ये चला आएगा नीचे में, डेट मीन्स कॉस ए माइनस साइन ए। अब इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे में दोनों को इंटू करिए तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस दीजिए, फिर कॉस ए इंटू कॉस ए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे भी दोनों को इंटू कर दीजिए तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। इस तरीके से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे है साइन ए माइनस कॉस ए, और जबकि यहाँ पे है कॉस ए माइनस साइन ए, तो आप क्या करिए ना कि इससे माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये भी आ जाएगा इसी के फॉर्म में। तो जैसे देखिए यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए, और नीचे में जो है उसको लिखिए कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए प्लस, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे हम बोले आपको कि यहाँ से माइनस को आप कॉमन ले लीजिए, तो जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस आगे में आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू, और जब आप माइनस कॉमन लिए हैं तो ये जो माइनस साइन ए है ये हो जाएगा प्लस साइन ए, और ये जो प्लस कॉस ए है ये हो जाएगा माइनस कॉस ए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो जो माइनस में था वो हो गया प्लस, और जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस। इस तरीके से, और माइनस को हम आगे में लिख दिए हैं।
इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे ये माइनस को ऊपर भेजिए, काहे कि माइनस कभी भी नीचे नहीं रहेगा, हमेशा ऊपर चला जाएगा, और जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस। फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए इसका, तो यहाँ पे बताइए एलसीएम क्या हो जाएगा। देखिए जो सेम टर्म है उसको एक बार लिखिएगा और डिफरेंट टर्म वाला को इनटू में, जैसे कॉस ए साइन ए तो ये दोनों इनटू में आएगा, डेट मीन्स कॉस ए इनटू साइन ए। और यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए इधर भी है और साइन ए माइनस कॉस ए इधर भी है, तो इसको आप एक बार लिखिए, सेम टर्म रहेगा उसको एक बार लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। और आपको समझ में एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके बाद देखिए कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए से कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ साइन ए, और साइन ए को साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन पे पावर 3 ए। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए से कॉस ए और ये साइन ए माइनस कॉस ए कटेगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ साइन ए, और साइन ए को साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा साइन पे पावर 3 ए। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर इस तरफ देखिए यहाँ पे है साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, तो यहाँ पे साइन से साइन कटेगा और साइन ए माइनस कॉस ए से ये वाला कटेगा, तो बचेगा कौन, सिर्फ कॉस ए बचेगा, और कॉस ए को कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा कॉस पे पावर 3 ए। तो यहाँ पे साइन पे पावर 3 ए को आप लिख सकते हैं साइन ए का होल क्यूब, और कॉस पे पावर 3 ए को आप लिख सकते हैं कॉस ए का होल क्यूब, और नीचे में जो है उसको रहने दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यूज़ करिए, तो यहाँ पे देखिए हम लिख दे रहे हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको हमेशा याद रखना है इसी फॉर्मूला का यूज़ यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ए और ये वाला हो जाएगा बी, यानी जहाँ जहाँ ए आपको दिख रहा है वहाँ पे आपको पुट करना है साइन ए, और जहाँ जहाँ आपको बी दिख रहा है वहाँ पे आपको पुट करना है कॉस बी, तो यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए की जगह पुट करिए साइन ए, तो यहाँ पे हो गया साइन ए माइनस, और बी की जगह आप पुट करिए कॉस ए, तो यहाँ पे हो गया कॉस ए। और आपको बात समझ में, जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी, तो यहाँ पे है साइन ए माइनस कॉस ए, तो यहाँ पे हो गया साइन ए माइनस कॉस ए। इसके बाद देखिए ए स्क्वायर, तो ए की जगह साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, इसके बाद है ए बी, तो यहाँ पे दोनों को इंटू कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस, इसके बाद है बी स्क्वायर, अब बी का वैल्यू है कॉस ए, तो कॉस ए का जब आप स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी में दिक्कत है, जैसे यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे फॉर्मूला पे इसको क्या किए हैं डिराइव किए हैं, ए का वैल्यू था साइन ए तो ए की जगह हम साइन ए पुट कर दिए हैं, और बी का वैल्यू है कॉस ए तो बी की जगह कॉस ए पुट कर दिए, इस तरफ भी वही काम किए हैं, और नीचे में जो है उसको लिख दीजिए, तो यहाँ पे नीचे में है कॉस ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे देखिए साइन ए माइनस कॉस ए ऊपर में भी इंटू में है और साइन ए माइनस कॉस ए नीचे में भी इंटू में है, तो साइन ए माइनस कॉस ए से कटेगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे ऊपर में जो बच गया उसको लिखिए, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही ना ऊपर में है, और नीचे में जो बचा है उसको भी लिख लीजिए, तो नीचे में बच रहा है कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं नीचे में कॉस ए इंटू साइन ए, तो ये सब के नीचे है ना, ये जो कॉस ए इंटू साइन ए है वो तीनों के नीचे है, तो इसको आप सेपरेट करके लिखिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस
अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए प्लस, फिर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए प्लस, फिर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ पे हम कॉस ए इंटू साइन ए को सेपरेट कर दिए हैं, यहाँ पे तीनों के नीचे इसको लिख दिए हैं। अब देखिए साइन से कटेगा एक साइन, और यहाँ पे कॉस से कटेगा एक कॉस, और साइन कॉस से कटेगा साइन कॉस। तो यहाँ पे ऊपर में बच गया साइन ए और नीचे में बच गया कॉस ए प्लस, फिर यहाँ पे ऊपर में बच गया कॉस ए और नीचे में साइन ए, और यहाँ पे वन है तो वन लिखिए। अब यहाँ पे बताइए साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, टेन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन ए प्लस। यहाँ पे बताइए कॉस ए बाई साइन ए ये होता है कॉट ए, तो यहाँ पे हो गया कॉट ए प्लस वन, तो ये हो जाएगा आर एच एस। तो ये ना आपको लाना था, तो ये हो जाएगा आर एच एस। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, तो ये वाला टर्म तो आप ले आए, अब इसी टर्म को सोल्व करके ये वाला टर्म आपको लाना है। तो यहाँ पे देखिएगा इसको लिख दीजिए अगेन, यहाँ पे आपको इसी टर्म को लेकर चलना है, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, यह है टेन ए प्लस कॉट ए प्लस वन। तो यहाँ पे देखिएगा टेन को आप क्या लिखिएगा, साइन बाई कॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए प्लस, कॉट को आप लिखिएगा कॉस बाई साइन, तो ये हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए प्लस वन। अब देखिए यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो यहाँ पे देखिए कॉस से कटेगा कॉस, तो बचेगा साइन, और साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे साइन ए से कटेगा साइन ए, तो बचेगा कॉस ए, और कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो ओवन है, ओवन से इसको डिवाइड करेगा तो इतना बार में ही कटेगा, और इसको ऊपर वाले ओवन से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसका वैल्यू कितना होता है, ओवन होता है, तो यहाँ पे ये दोनों की जगह ओवन फुट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया ओवन प्लस, और ये जो बच रहा है इसको लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे में जो है उसको भी लिखिए, तो यहाँ पे हो गया कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए अब आप क्या करिए ना, कि जैसे कॉस ए इंटू साइन ए दोनों के नीचे है, तो इसको आप सेपरेट करके लिखिए, तो ये हो जाएगा ओवन अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए प्लस, इधर भी हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ पे हम सेपरेट करके लिख दिए हैं क्योंकि ये दोनों के नीचे था। अब इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे वन बाई कॉस ए इंटू वन बाई साइन ए, जैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, वन बाई कॉस ए इंटू वन बाई साइन ए प्लस, और यहाँ पे तो दोनों सेम दिख रहा है तो ये कट जाएगा वन बार में। तो यहाँ पे बताइए वन बाई कॉस से क्या होता है, सेक ए, तो यहाँ पे हो गया सेक ए इंटू, और वन बाई साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए ना, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक ए, और यहाँ पे प्लस वन है तो प्लस वन, तो यही आपको लाना था, तो ये हो जाएगा आर एच एस। एग्जाम्पल 21, यहाँ पे कह रहा प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, नीचे जो आइडेंटिटी दे रखा है उसको आप प्रूव करिए। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन, यहाँ पे बोल रहा है साइन पे पावर फोर ए प्लस कॉस पे पावर फोर ए इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप एल एच एस को नोट कर लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एल एच एस में दे रखा है साइन पे पावर फोर ए प्लस कॉस पे पावर फोर ए, इस तरीके से। यहाँ पे देखिए जब भी पावर फोर है ना, तो इसको स्क्वायर के टर्म में ब्रेक करिए, जैसे कहने का मतलब हुआ इसको आप साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिखिए प्लस, और इसको भी उसी प्रकार लिखिए कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है इसको आप ए मान लीजिए, और यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है इसको आप बी मान लीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो ये टूट जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? इसका दो फॉर्मूला होता है, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो अब सवाल उठता है कि हम किस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, प्लस वाला, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी का। इसका यूज़ आप नहीं करिएगा, ठीक है? क्यों नहीं करिएगा? जो आगे आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको इस फॉर्मूला पे डिराइव करिए। तो ए की जगह आपको पुट करना है साइन स्क्वायर ए, और बी की जगह आपको पुट करना है कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे पुट करिए, तो ए की जगह पुट करिए साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, और बी की जगह पुट करिए कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब पूरा पे स्क्वायर है तो पूरा पे स्क्वायर माइनस टू, फिर यहाँ पे ए है तो ए की जगह पुट करिए साइन स्क्वायर ए, इसके बाद है बी, तो बी की जगह पुट करिए कॉस स्क्वायर ए। इस तरीके से और आपको समझ में, यहाँ पे सिर्फ अभी हम फॉर्मूला पे इसको डिराइव किए हैं, ए की जगह पुट किए हैं साइन स्क्वायर ए, और बी की जगह पुट किए हैं कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू तो आपको पता है, इसका वैल्यू वन होता है, लेकिन अगर आप इस माइनस वाला फार्मूला का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, और फिर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू तो आपको पता नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे इसका यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और माइनस के टर्म में तो आपको वैल्यू पता नहीं है। प्लस के टर्म में आपको वैल्यू पता है ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू वन होता है, तो हमेशा आपको प्लस वाला ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू वन, तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और यही चीज तो आपको लाना था, तो ये हो जाएगा आर एच एस। और यहाँ पे वन का स्क्वायर आप वन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे हो रहा है साइन पी पावर सिक्स ए प्लस कॉस पी पावर सिक्स ए इक्वल टू वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आप एल एच एस को नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एल एच एस इक्वल टू साइन पी पावर सिक्स ए प्लस कॉस पी पावर सिक्स ए। तो इसके बाद देखिएगा साइन पी पावर सिक्स ए को आप कैसे तोड़िएगा, इसको आप इस तरीके से लिखिए साइन स्क्वायर ए और पावर थ्री कर दीजिए, तो थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा। हमेशा पावर सिक्स को इसी प्रकार आपको तोड़ना है, और यहाँ पे भी इसको लिखिए कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे पूरा पे पावर थ्री हो जाएगा। और आपको बात समझ में, जब भी पावर सिक्स रहे तो उसको आप इसी तरीके से तोड़िएगा। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है इसको आप ए मान लीजिए, और इस तरफ जो ब्रैकेट के अंदर है इसको आप बी मान लीजिए, तो ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये डिराइव हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू पे। और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बताइए, तो ये होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस भी। इसी फॉर्मूला पे आपको डिराइव करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि सिंपली ए के जगह साइन स्क्वायर ए पुट करिए, और बी के जगह कॉस स्क्वायर ए पुट करिए। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे ए के जगह पुट करिए साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, और बी के जगह पुट करिए कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब पूरा पे पावर थ्री है, तो यहाँ पे हो गया थ्री माइनस थ्री ए बी, तो थ्री ए की जगह पुट करिए साइन स्क्वायर ए, और बी की जगह पुट करिए कॉस स्क्वायर ए, फिर इनटू, फिर ए प्लस बी है तो यहाँ पे पुट करिए ए की जगह साइन स्क्वायर ए प्लस, और बी की जगह पुट करिए कॉस स्क्वायर ए। आ रहा बात समझ में? अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? इसके बाद देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कितना होता है? वन, तो यहाँ पे हो जाएगा वन पे पावर थ्री माइनस थ्री साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ पे देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना? ओवन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ओवन। तो इसके बाद देखिए ओवन पे पावर थ्री ओवन माइनस, और यहाँ पे ओवन से इसको मल्टीप्लाई करिए तो यही चीज रहेगा थ्री साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और यही तो आपको लाना था, तो ये हो जाएगा आर एच एस। एग्जाम्पल 22, करा प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, नीचे जो आइडेंटिटी दे रखा है उसको आप प्रूव करिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर वन,
यहाँ पे हो रहा है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस 2। तो यहाँ पे आप सबसे पहले एलएचएस को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा एलएचएस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस फिर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए। तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम क्या होगा, दोनों इंटू में आ जाएगा, डेट मीन्स कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए से कटेगा कॉस स्क्वायर ए, तो बचेगा साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा साइन पे पावर 4a, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस, यहां पर देखिए साइन स्क्वायर ए से कटेगा साइन स्क्वायर ए, तो बचेगा कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अरे बस में इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, जैसे 3 × 3 रहेगा तो आप इसको लिखते हैं ना 3 का स्क्वायर, और अगर आएगा 3 पे पावर 2 × 3 पे पावर 2 तो इसको आप लिखिएगा 3 पे पावर 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ, साइन स्क्वायर ए यहाँ पे था साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे दोनों सेम टर्म है, तो अगर दो सेम टर्म मल्टीप्लाई में रहता है तो यहाँ पे क्या करें कि उस पर पावर चढ़ा दीजिए 2, इस तरीके से। तो यहाँ पे वही चीज़ किए हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को आप ए मान लीजिए और इसको कॉस स्क्वायर ए को बी मान लीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये डिराइव हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि ए की जगह पुट करिए साइन स्क्वायर ए और बी की जगह पुट करिए कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये ए की जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, और बी की जगह पुट करिए कॉस स्क्वायर ए, और ये पूरा का होल स्क्वायर माइनस 2, फिर ए की जगह पुट हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू, और बी की जगह पुट हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको नीचे में आइए, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये डेरिवेशन है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी, और नीचे में जो है उसको लिखिए, तो यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो इसके बाद देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 पुट करिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा ना, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और जो नीचे में है उसको भी लिखिए, तो यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप क्या करिए ना कि ये जो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए है ये दोनों के नीचे है, तो इसको आप सेपरेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे भी नीचे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, इस तरीके से। अब देखिएगा इसके बाद तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, नहीं तो इसको इतना ही रहने दीजिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, क्योंकि आरएचएस में यही वाला टर्म है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं माइनस। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कटेगा और कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कटेगा, तो यहाँ पे बच गया माइनस 2, और यही टर्म है आरएचएस में, तो ये हो जाएगा आपका आरएचएस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे हो रहा है कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आप एलएचएस को नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एलएचएस इक्वल टू कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस फिर है साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ पे देखिएगा इसके बाद तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए को कॉस ए ही रहने दीजिए
और नीचे में हो जाएगा वन माइनस टेन को आप तोड़िए तो साइन वाई कॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है तो इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे नीचे में आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे ऊपर में है कॉस ए और यहाँ पे नीचे में एलसीएम लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा कॉस ए। जैसे यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो ओवन है, तो ओवन और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए होगा। अब इस ओवन से कॉस ए को डिवाइड करिए तो कॉस ए बार में कटेगा, और कॉस ए को ऊपर वाला ओवन से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए माइनस। अब यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड करिए तो एक बार में कटेगा, और एक को साइन ए से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे इसको लिखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पे कॉस ए को ऊपर भेज दीजिए, तो कॉस ए जो ऊपर जाएगा तो पहले से कॉस ए है तो दोनों मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए। ये चीज आपको समझ आया ना कि इसमें कोई दिक्कत है? जैसे नीचे में था कॉस ए तो इसको हम ऊपर भेजेंगे, तो पहले से यहाँ पे कॉस ए है तो कॉस ए इंटू कॉस ए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए है तो इसको लिखिए। इसके बाद देखिएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या करिए ना कि माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे है कॉस ए माइनस साइन ए और यहाँ पे है साइन ए माइनस कॉस ए, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए तो ये कॉस ए जो माइनस में है ये हो जाएगा प्लस कॉस ए, और यहाँ पे जो साइन ए प्लस में है ये हो जाएगा माइनस साइन ए। इस तरीके से आ रहा आपको बात समझ में कि इसमें कोई दिक्कत है? जैसे आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ पे ये माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस कभी नीचे तो रहता नहीं है तो ये हमेशा ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा तो प्लस इंटू माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे जो ऊपर में उसको लिखिए तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। आ रहा बस समझ में? अब देखिए अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए तो कॉस ए माइनस साइन ए का एलसीएम ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, काहे कि दोनों तरफ सेम टर्म है तो यही इसका एलसीएम होगा, तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। काहे कि देखिए ना कॉस ए माइनस साइन ए से कटेगा एक बार में और एक को इससे मल्टीप्लाई करिए तो वहीं चीज़ रहेगा, इधर भी इससे कटेगा एक बार में और एक को साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करिए तो वहीं चीज़ रहेगा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस, और साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे जो है उसको लिखिए तो कॉस ए माइनस साइन ए। अब यहाँ पे देखिएगा ऊपर में हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे इसको डिराइव करिए तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे में जो है उसको लिखिए तो यहाँ पे है कॉस ए माइनस साइन ए। आ रहा बात समझ में? अब देखिएगा इसके बाद कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए कटेगा, तो यहाँ पे जो ऊपर में बच गया उसको लिख दीजिए तो यहाँ पे ऊपर में बच गया कॉस ए प्लस साइन ए, और यहीं आपको लाना भी था तो ये हो जाएगा आर एच एस। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप एलएचएस को नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एलएचएस इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने दीजिए, और नीचे वाला को ब्रेक करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस टेन को आप क्या लिखिएगा, टेन को आप लिखिएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इस तरीके से। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर हो जाएगा साइन पे पावर थ्री थीटा इन ये अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सबको साइन कॉस में तोड़ना है, तो जो साइन कॉस में पहले से है उसको वैसे ही लिख देना है, और यहाँ पे टेन को हम साइन बाई कॉस लिखे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नीचे में आप एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर में तो कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, और यहाँ पे आप नीचे में एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो वन है, तो वन और कॉस थीटा के एलसीएम कॉस थीटा, तो यहाँ पे वन से कॉस थीटा को डिवाइड करिए, तो कॉस थीटा बार में कटेगा, और कॉस थीटा को ऊपर वाला वन से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस, फिर कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करिए तो एक बार में कटेगा, और वन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर इधर ऐसे ही रहने दीजिए साइन क्यू थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसके बाद देखिएगा, ये जो कॉस थीटा नीचे में है उसको ऊपर भेजिए, तो पहले से यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा जाके इनटू में हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा कॉस पे पावर थ्री थीटा। और आपको बात समझ में, जैसे पहले से दो को कॉस थीटा था और एक कॉस थीटा और जाके इनटू हो गया, तो ये हो गया कॉस पे पावर थ्री थीटा, और यहाँ पे जो है उसको लिखिए नीचे में, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू, और इस तरफ देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन क्यू थीटा, और यहाँ पे आप नीचे में क्या करिए ना कि माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और जबकि यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इससे आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिए यहाँ पे, तो कॉस थीटा जो माइनस में है वो हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, और जो साइन थीटा प्लस में है वो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। हमेशा यह रखिएगा कि जैसे आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया कॉस क्यू थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे ये माइनस को ऊपर भेज दीजिए, तो जैसे ही माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यू थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद, अब यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या कि दोनों तरफ सेम टर्म है। अब देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कटेगा एक बार में, और एक को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा माइनस, यहाँ पे भी वही चीज़, इससे ये कटेगा एक बार में, और एक को साइन क्यू थीटा से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा। तो कॉस क्यू थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल क्यू माइनस, और साइन क्यू थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा का होल क्यू, नीचे जो है उसको लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे इसको ए क्यू माइनस बी क्यू पे डिराइव करिए, तो यहाँ पे देखिए हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, तो इसी फार्मूला पे आपको ऊपर वाले को डिराइव करना है, तो आप क्या करिएगा कि ए की जगह आपको पुट करना है कॉस थीटा, और बी की जगह आपको पुट करना है साइन थीटा, तो यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ पे देखिएगा ए की जगह पुट करिए कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा माइनस, और बी की जगह पुट करना है आपको साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू, फिर है ए स्क्वायर, तो ए की जगह कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा का जब आप स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, फिर है ए बी, तो यहाँ पे दोनों को इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर है बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी का वैल्यू है साइन थीटा, तो साइन थीटा का जब आप स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में जो है उसको रहने दीजिए, तो नीचे में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। पहले आप यहाँ तक बताइए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ऊपर वाले को हम फॉर्मूला पे सिर्फ डिराइव किए हैं,
ए की जगह कॉस थीटा रखें और बी की जगह साइन थीटा रखें, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, ए का वैल्यू है कॉस थीटा और बी का वैल्यू है साइन थीटा, तो ए की जगह कॉस थीटा और बी की जगह साइन थीटा, इस तरफ भी वही काम किए हैं। अब देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में है ना ऊपर, तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कटेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे जो बच गया उसको लिखिए। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको एक जगह कर लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर बच रहा है प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिएगा इसके बाद, तो यहाँ पे आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू कितना होता है, ओवन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ओवन, और ये वाला इसको लिखिए, तो प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यही चीज़ तो आपको लाना था, तो यही हो जाएगा आधे चीज। एग्जाम्पल 23, यहाँ पे बोल रहा है प्रूफ डेट, यहाँ पे देखिएगा ओवन माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप एल एच एस को नोट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एल एच एस इक्वल टू वन माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पूरा का स्क्वायर है, तो यहाँ पे पूरा पे स्क्वायर दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे इसको आपको तोड़ना होगा ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे, तो यहाँ पे क्या करिए ना कि पहले इसको इस तरीके से लिखिए वन, और ये जो माइनस साइन थीटा है तो इसको ऐसे लिखिए प्लस और माइनस साइन थीटा को ब्रैकेट में, और यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस थीटा, और पूरा पे स्क्वायर है तो पूरा पे स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा वन, बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और सी का वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा। आ रहा बात समझ में? और इसको आपको डिराइव करना है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे, और यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, तो इसी फॉर्मूला पे आपको डिराइव करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए की जगह पुट करिए ओवन, तो ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा ओवन का स्क्वायर प्लस, इसके बाद है बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कितना, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर है सी स्क्वायर, और सी का वैल्यू है कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर है प्लस टू ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा टू ए का वैल्यू कितना, ओवन है ना, तो यहाँ पे ए की जगह हो जाएगा ओवन, और बी का वैल्यू यहाँ पर देखिए माइनस साइन थीटा, तो बी की जगह हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस, इसके बाद है टू बी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा टू बी का वैल्यू कितना, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी की जगह माइनस साइन थीटा, और सी का वैल्यू है कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा। इसके बाद देखिए इसके बाद है टू ए सी, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं टू ए का वैल्यू वन और सी का वैल्यू कॉस थीटा। तो इसके बाद देखिएगा पहले यहाँ तक आप देख लीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो। अब ओवन का स्क्वायर ओवन प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसके बाद कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे टू इंटू वन इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा टू साइन थीटा। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी तीनों को मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे भी तीनों को मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा टू कॉस थीटा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवन हो जाएगा, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा ओवन प्लस, यहाँ पे ये दोनों की जगह ओवन माइनस टू साइन थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टू कॉस थीटा। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ओवन प्लस वन दो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू माइनस टू साइन थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टू कॉस थीटा।
अब देखिए इसके बाद यहाँ पे ये दोनों से कॉमन लीजिए, इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए। तो पहले यहाँ पे बताइए ये दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो ये दोनों में आपको दो कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ से हम दो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा वन माइनस, और यहाँ से दो बाहर निकल गया तो खाली साइन थीटा बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, टू दोनों में है और कॉस थीटा भी दोनों में है, तो हम दो कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप कॉमन लीजिए टू कॉस थीटा, वो भी प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दो कॉस थीटा आप बाहर निकालें तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बचेगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि आप प्लस टू कॉस थीटा कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे दो और कॉस थीटा बाहर निकल गया, तो माइनस साइन थीटा यहाँ पे बच रहा है ना, तो यहाँ पे बच गया माइनस साइन थीटा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और टू कॉस थीटा बाहर निकालिए तो यहाँ पे वन बचेगा। अरे बस समझ में, क्यों यहाँ पे हम प्लस टू कॉस थीटा कॉमन लिए थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर भी माइनस साइन थीटा रहना चाहिए था, तो इसी कारण हम प्लस टू कॉस थीटा कॉमन लिए थे, ताकि यहाँ पे माइनस साइन थीटा रहे। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों क्या है, सेम टर्म है, खाली उल्टा करके लिखा हुआ है। जैसे इसको हम पहले लिख देते हैं, टू इंटू वन माइनस साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा, और इसको आप नहीं लिख सकते हैं वन माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, वन माइनस साइन थीटा यहाँ पे भी और वन माइनस साइन थीटा यहाँ पे भी, तो आप क्या करिए कि वन माइनस साइन थीटा को बाहर निकालिए, वन माइनस साइन थीटा हम कॉमन ले रहे हैं, तो जब वन माइनस साइन थीटा यहाँ से बाहर निकाल लीजिएगा तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा दो, तो यहाँ पे हो गया टू, और यहाँ से भी वन माइनस साइन थीटा बाहर निकल गया तो यहाँ पे बच गया टू कॉस थीटा, तो इसको लिखिए प्लस टू कॉस थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे वन माइनस साइन थीटा आप कॉमन ले ली तो यहाँ पे सिर्फ दो बचेगा, तो यहाँ पे दो हो गया, फिर प्लस था तो प्लस, फिर यहाँ से भी वन माइनस साइन थीटा बाहर निकल गया तो टू कॉस थीटा सिर्फ बचेगा, तो यहाँ पे हो गया टू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा। और ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है, दो कॉमन है, तो यहाँ से दो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा वन प्लस, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ कॉस थीटा। इसी को अरेंज करके लिख दीजिए, दो को आगे ले आइए, कहे कि तीनों तो इंटू में ही है, तो ये हो जाएगा टू इंटू वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा, और यहीं आपको लाना था, तो यहीं हो जाएगा आर एच एस। एग्जाम्पल 24, यहाँ पे बोल रहा है इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, देन प्रूव डैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पे पावर फोर थीटा इक्वल टू वन। तो यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ दे रखा है ना, पहले उसी से चलिए। जैसे यहाँ पे देखिए हेयर, यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन दे रखा है, आप क्या करिए कि साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस में, तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे बताइए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी आप कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लिए जो कि साइन थीटा है। अब यहाँ पे जो आपको प्रूव करना है इसका एलएचएस नोट करिए, तो यहाँ पे देखिएगा एलएचएस में दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पे पावर फोर थीटा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और कॉस पे पावर फोर थीटा को आप कैसे लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना लाए थे साइन थीटा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पुट करिए साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस, यहाँ पे भी पुट करिए साइन थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी देना होगा, तो इसके बाद देखिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस। अब यहाँ पे जब आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो साइन के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अरे बस समझ में, अब देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखा था, यहाँ पे देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन दे रखा है, तो
तो यहाँ पे आप ओवन पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो गया ओवन, तो यही हो जाएगा आर एच एस। तो इस तरीके से आपको प्रूव कर लेना है। एग्जाम्पल 25, यहाँ पे बोल रहा है इफ टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन। यहाँ पे देखिए एम का वैल्यू दे रखा है और इधर एन का वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे बोल रहा है सो डैट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू फोर अंडर रूट एम इंटू एन। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना होगा ना कि दोनों तरफ से चलना होगा, तो जो चीज़ दे रखा है उसको यहाँ पे नोट करिए। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू फोर अंडर रूट एम इंटू एन। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ से चलेंगे और दोनों एल एच एस और आर एच एस को इक्वल ले आएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू को आप पुट करिए, तो एम का वैल्यू दे रखा है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा और ये स्क्वायर है तो पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा माइनस। फिर है एन स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए एन का वैल्यू दे रखा है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा माइनस साइन थीटा और ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा फोर अंडर रूट, यहाँ पे एम का वैल्यू रखिए तो एम का वैल्यू है टेन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू, फिर एन का वैल्यू रखिए तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी सिर्फ हम एम और एन का वैल्यू पुट किए हैं। इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे डिराइव करिए, तो होता है ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू है टेन थीटा, तो टेन थीटा का स्क्वायर ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। फिर होता है बी स्क्वायर और यहाँ पे बी का वैल्यू है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर होता है टू ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा टू ए की जगह टेन थीटा और बी की जगह हो जाएगा साइन थीटा। इसके बाद माइनस है तो माइनस और यहाँ पे ब्रैकेट रखिएगा। अब इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए की जगह है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। फिर होता है बी स्क्वायर, तो बी की जगह है साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर होता है माइनस टू ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू ए की जगह टेन थीटा और बी की जगह साइन थीटा। इसके बाद देखिएगा इक्वल टू फोर, यहाँ पे अंदर रूट, इधर देखिए टेन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए का वैल्यू है टेन थीटा और बी का वैल्यू साइन थीटा। तो जब ए स्क्वायर करिएगा तो ए का वैल्यू टेन थीटा है ना, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस। फिर होता है बी स्क्वायर और बी का वैल्यू है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से ब्रैकेट को हटाइए, तो जैसे ही आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। और यहाँ पे फिर आर एच एस को लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर अंडर रूट, यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर दीजिए साइन कॉस में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा वाई कॉस स्क्वायर थीटा और फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको भी लिखिए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस में और टेन स्क्वायर थीटा माइनस में, तो ये तो कट जाएगा। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस में और साइन स्क्वायर थीटा माइनस में, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों सेम टर्म है और दोनों प्लस में, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा ना, तो यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा। फिर यहाँ पे इक्वल टू है तो यहाँ पे इक्वल टू डालिए,
फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 अंडर रूट। अब यहाँ पे देखिए आप एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो ओवन है, तो कॉस स्क्वायर थीटा और ओवन का एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कटेगा एक बार में, और एक को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, फिर ओवन से कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड करिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आरा बस में ये समय तो कोई दिक्कत ही ना होता है एलसीएम लेने में। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 4, यहाँ पे देखिए अंडर रूट, यहाँ पे ऊपर में आप कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इधर भी है और साइन स्क्वायर थीटा इधर भी है, तो आप साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा ओवन माइनस, और यहाँ से भी साइन स्क्वायर थीटा बाहर ही निकल जाएगा, तो खाली कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा ना, तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में जो है उसको लिखिए, तो यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 4 अंडर रूट, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू, और ओवन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये भी होता है साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बाद, तो ये हो जाएगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 4, यहाँ पे देखिएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और एक साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना, तो यहाँ पे एक को यहाँ पे लिखना होगा इस तरीके से। और आपको बात समझ में, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा हो गया, बाकी एक साइन स्क्वायर थीटा तो अभी बच रहा है, तो उसको यहाँ पे लिखना होगा। तो इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 4, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, पूरा पे स्क्वायर डाल दीजिए, काहे कि जब आप ब्रैकेट हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए LHS और RHS क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इसी तरीके से इसको प्रूव करना है। एग्जाम्पल 26, यहाँ पे बोल रहा है इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 cos थीटा देन सो डैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 sin थीटा। यहाँ पे देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे ना, जैसे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन रहे, तो आप क्या करिए ना कि जो एक जो दे रखा है उसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, और बोला कि इतना इक्वल टू प्रूव करिए अंडर रूट 2 sin थीटा, तो आप इतना इक्वल टू x मान लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चीज़ दे रखा है, जैसे यहाँ पे देखिए हेयर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 cos थीटा, ये चीज़ दे रखा है, तो इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1, और यहाँ पे हमको प्रूव करने बोला था कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 sin थीटा, तो आप इतना इक्वल टू x मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा लेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू x इस तरीके से, और इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 2। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में इसी तरीके से करिएगा, ताकि आसानी से ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमको बोला कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्रूव करिए अंदर रूट 2 sin थीटा होता है, और हम इसको क्या किए हैं कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू x लेट कर लिए हैं, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, अंडर रूट 2 sin थीटा। तो हम दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x का वैल्यू लाएंगे अंडर रूट 2 sin थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा,
जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको करना होगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एलएचएस वाले को एलएचएस के साथ ऐड करना है और आरएचएस वाले को आरएचएस के साथ ऐड करना है, लेकिन पहले स्क्वायर करना है उसके बाद ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले एलएचएस में इसको ले लीजिए, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे एल एच एस में एक ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा प्लस। आ रहा बात समझ में? इसके बाद आइए आर एच एस में, तो यहाँ पे देखिए आर एच एस में दे रखा है अंडर रूट टू कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर करिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, फिर एक और आर एच एस में है एक्स, और एक्स का स्क्वायर करिएगा तो एक्स स्क्वायर, और दोनों के बीच में आ जाएगा प्लस। तो इसी तरीके से आपको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना है, मतलब पहले दोनों को स्क्वायर करके फिर ऐड कर देना है, फिर आरएचएस में भी दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना है। इसके बाद देखिए, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर डेट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर डेट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, फिर होता है टू ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर होगा यहाँ पे माइनस टू ए बी, तो माइनस टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आ रहा बात समझ में? इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू अंदर टू का स्क्वायर दो और कॉस थीटा का स्क्वायर करिएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में और दो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में, तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ओवन होता है, और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ओवन, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा ओवन, और यहाँ पे भी ओवन आएगा ना, तो ओवन इक्वल टू, अब आर एच एस को लिखिए, तो यहाँ पे है टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अब देखिए ओवन प्लस वन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, अब टू कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लाके माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा टू माइनस, ये इधर आके माइनस हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा ना। अब इसको उलट के लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर से दो कॉमन ले लीजिए, तो दो कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पे बचेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू, और यहाँ पे बताइए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर को इस तरह भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्वल टू अंडर रूट टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए दो का तो रूट निकलेगा नहीं, तो दो तो रूट के अंदर ही रहेगा, और साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म होगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा बाहर आ जाएगा, और दो तो रूट में ही रहेगा, तो ये हो गया एक्स इक्वल टू अंडर रूट टू साइन थीटा, यानी एक्स का वैल्यू आ गया अंडर रूट टू साइन थीटा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लेट किए थे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यही वाला चीज़ आ जाएगा जो आपको शो करना था, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा हेंस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू, आप एक्स सेलेक्ट किए थे, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा सो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू, एक्स का वैल्यू आया है अंडर रूट टू साइन थीटा, तो यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए अंडर रूट टू साइन थीटा, और यही तो आपको शो करना था, तो इस तरीके से आप इसको शो कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रूफ्ड।